ये परेशान हो गए। डीआईजी साहब से मेरी गुजारिश है, ये लड़के पढ़ने आते हैं। इंडिया चांद पे कैसे पहुंच सकता है, ये सब झूठ है। अगर यहाँ पे कुछ भी पंगा होता है तो इसका जिम्मेदार जो है बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने कैसा काम काज है, बहुत बढ़िया है ना। इनके पास हर वैरायटी के सूट मिलते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और भट साहब का जल्द से जल्द बन के कराओ। ठीक है जी डॉक्टर साहब, भट साहब के एक के होने चाहिए। सब कुछ हम अंग्रेजों का पहन रहे हैं, बोली भी हम अंग्रेजों की बोल रहे हैं। भाई हम मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, ये एक साइंस बिल्कुल गलत है, मैं इनको सीधा करना चाहता हूँ। आप खुद बताओ, चांद ऐसा भी होती है जो मैं मेरी प्रशासन से अपील की जाती है, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर के वो हमें दाड़ा मार रहे हैं, क्योंकि जम्मू वालों को बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। जम्मू वाले उस टाइम कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, उनको ठीक हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगने चाहिए। ये चोरी करते हैं जम्मू वाले, पहले जब 300 तक टूटा हमने आवाज उठाई, हमने बोला सीएम आने वाला जम्मू ना। तो उसके बाद डड्डू इतना सा रह गया, चिटकुट सा लप्पू सा तो डड्डू है। मेरे को बोल रहा मैं तेरा रोस्ट करूंगा, कर भाई कर। दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, इट डजंट मीन टू हर्ट एनी एंड डोंट टेक इट सीरियसली। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। और आज फिर हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू सब व्लॉग लेके। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे, तो अभी जा रहे हैं हम कॉलेज। डार साहब किसकी क्लास हो गई? किसने आपको मारा? क्यों माफिया मांग रहे हो आप? किसने मारा आप? परेशान हो गया। अभी हमारी पॉलिटिकल की क्लास है, पॉलिटिकल के बाद मिलते हैं आपको। सो गाइस, अभी हमारी क्लास हो गई है, हमारे साथ बैठे हैं डार साहब क्या बोलते हो आप? एक नंबर क्लास ली है। एक नंबर सर है हमारे। हाँ जी, जो आज अभी नहीं आए, अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, बड़ी बड़ी जगहों पे क्या बोलते हैं पढ़ाने के लिए गए थे। हाँ जी, एक नंबर ये पढ़ाने का तरीका है। अभी हाँ ये परसों क्लास ले, कल रक्षाबंधन है, राखी बांध के हम 10-15 परसों में सब। सो गाइस, मुबारकों की बात है, फैन लग चुके हैं हमारी कॉलेज में। देख सकते हो कितनी पावर है इनकी, इन्होंने फैन भी लगवा दिए, फैन भी लगवा दिए, एक नंबर फैन देखिए कितना तेज चल रहा है, कितना तेज। ओ ओ, ओ इधर ठंड हो जाएगी भाई, भागो यहाँ से, ठंड होगी। चलो चलते। तो गाइस, अभी हम आ गए थे कॉलेज से बाहर क्योंकि हमारी क्लास नहीं थी। चलते हैं यही ऊपर तक जाना कहाँ है, जाना तो मैंने घर है, लेकिन फिलहाल अभी हम नीचे चलेंगे भट साहब के साथ थोड़ा। हाँ तो देखो, आप बने रहो व्लॉग में आगे तक, बहुत ही मजा आएगा आपको, बने रहिए व्लॉग के साथ। मजा होता है व्लॉग्स में, सच बताओ यार, होता है क्यों नहीं होता है भाई? कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका व्लॉग देखा था मैंने, वही तो देखा था। हाँ देखा, लोंडे ने कोई व्लॉग देखा। हमारे अब एक साल के बाद अब फेमस हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह व्लॉग में हम आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं यार। सो गाइस, डार साहब अभी बैठे हुए फील्ड के अंदर रैगिंग कर रहे हैं बच्चों की। चाची के क्वेश्चन पूछ यार, पूछता हूँ नकल जी। आपने एडमिशन इनके साथ ली है, सीतापुर के साथ? कहाँ? इधर। अच्छा अच्छा जी, मेरे को 6 साल हो गए इधर। ग्रेजुएशन नहीं खत्म हो रही है, ग्रेजुएशन नहीं खत्म हो रही है, पसरी क्या मसला है? कोरोना का 3 साल डूब गया मेरे। हाँ, तो 11वीं में मेरा 6 वर्ष लगा, अब ग्रेजुएशन करने के लिए इकट्ठे पढ़ते हैं, 12वीं इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे पढ़ते थे। अब मैं 12वीं में हूं, तो ये आगे चला गया हूं, ये पीछे रह गई है, इसका कोई तीसरा सेमेस्टर कर रहा है, ये इसका भी, ये भी, ये। सो गाइस, अभी जो है डार साहब जो है वो भी बैठे हुए हैं, बहुत ही प्रोग्रेस में बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ चल रही थी रैगिंग इनकी, बहुत ही मजेदार बंदे आप देख सकते हो। और कुछ तो गाइस, आज मैं भट साहब को थोड़ी व्लॉगिंग सिखाएंगे हम, तो कैमरा पकड़ना है हमेशा ऐसे थोड़ा ऊपर रखे, ठीक है भट साहब? बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और भट साहब को जल्द से जल्द बन के कराओ। ठीक है जी डॉक्टर साहब, भट साहब के एक के होने चाहिए, क्योंकि एक के से क्या होगा कि इनको खुशी होगी, फिर ये डेली व्लॉग करेंगे। हाँ, मोटिवेट किया जाए यार, सही बात है। ये जो डिमोटिवेट हो गए हैं, किस वजह से हो गए हैं, बटोत के लोग इनको देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बटोत की आबादी है 5000 सब्सक्राइबर, ऐसे होना चाहिए। जनाब आप क्यों इतने दुखी हो, क्या हमें नहीं करे कोई? हमें नहीं करे, बट भट साहब को पढ़ा रहे नहीं है, पढ़ने ये बोल रहे हैं, ये पढ़ने आया था जी, देखो लेकिन ये परेशान हो गए। डीआईजी साहब से मेरी गुजारिश है, ये लड़के पढ़ने आते हैं, इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इनकी क्लासेस लग रही है, क्लासेस ऊपर से मार देगा पत्थर भी है। ये हमारे बड़े दुखी हैं इस बात से, इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, इनका 6वां सेमेस्टर है, ये 6वां सेमेस्टर ग्रेजुएशन का। मैं चाहता हूँ कि बटोत के लोग जो है सब्सक्राइब करें, एक अपना हमारा, आप चाहते हो ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, मेरे नहीं करो, इसको करो,
मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ऐसे मजा करने के लिए आया हूँ। आप कर रहे हो तो वो हमारी गलती नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हो, हम ऐसे मजा करने के लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। हम अगर आप इनको सब्सक्राइब करते हो ये अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं बिल्कुल। तो बटोत की भी थोड़ा नाम रोशन करेंगे, न्यू शूज में देंगे, हर एक चीज बताएंगे आपको। जैसे आमिर बाजीत है, जैसे आमिर मजीद है हमारा, उसका कट हो गया, उसने झूठ मारा है, मैं आपको बताता हूँ, उसने झूठ मारा है कि मेरा जो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हुआ है, उसने खुद बंद रखा है, एक नया चैनल उसको बिल्ड कर रहा है, फिर वो बोलेगा वापस आ गया, गलती से मेरे को यूट्यूब ने वापस कर दिया, फिर वो उस पर भी चलाएगा, उसको भी चलाएगा, वो इनकम के लिए ये सब कर रहा है, उसका कोई चैनल डिलीट नहीं हुआ, झूठ मार रहा है। 5 लाख की होगी, पाँच सौ की चेंज मांग रहे हैं, तो मेरा 5,000 का नोट है, तो मेरे पास वो भी टूटा नहीं है, टूटा भी नहीं है यार, मेरे पास भी, क्योंकि 5 लाख का नोट है, 5 लाख का वो नहीं है, वो खाते में पड़े 5 लाख, खाते तो अभी इनको चेक देंगे हम 100 रुपए का काट के, तो उसके बाद तो गाइस चेक कॉपी ले जाए और फैजान भाई को दी जाए। ये लिखा जी आई स्कोर हाई ऑन माई ड्रग टेस्ट, ठीक है जी, ठीक है, देख सकते हो आप गाइस कितने इनके अच्छे विचार हैं। कोई नशा नहीं होगा, नशा देखो जी, नशा मुक्त भारत बनाना है हमने, तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं, शराबों की दुकान खोल रहे हैं, पूरे जे एंड के में शराबों की दुकान खोल रही है, बस स्टैंड में दुकान खोल रही है, वाइन शॉप की, बच्चे जाते हैं स्कूल के, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, शराब पीने आने वाले, हमारी जो है वो शराब पी के स्कूल जाएंगे। मैं डीआईजी साहब से गुजारिश करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे फयाज भाई को अपॉइंट किया जाए चेयरमैन नया बटोत का, तो ताकि ये बटोत की थोड़ी तरक्की करे, ठीक है भाई साहब, आप एग्री करते हो? हमारी प्रशासन से अपील है कि जो ये ठेका है इसको यहाँ से उठा के जो है नाशरी में लिया जाए, क्योंकि बीच मेन बाजार में अभी एक छोटा सा लड़का मैं पूछ रहा था नाशरी में काम ज्यादा है, गाड़ियाँ चलते हैं, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल का 4 बच्चे वर्दी लगा के वहाँ पे उन्होंने ऐसे बैग खोला, बैग में डाल के चले गए नीचे उधर पास, फिर आप खुद सोच सकते हो कि हमारे आने वाला बटोत जो खराब होने वाला है, नशे में जाने वाला है, एक बच्चा छोटा सा अभी उधर था वो हमें पूछ रहा था ये तेल की बोतलें जो है अंदर क्यों पैक की हुई है, वो बोल रहा है तेल की बोतलें, अब आगे आगे उसको पता चलेगा ये तेल नहीं है, ये कुछ और है, इसे चांद पे जाते हैं चंद्रयान देखने के लिए, तो इसको प्लीज बंद किया जाए थोड़ा सा, तो अभी अभी इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो मेरा आपसे सवाल है अगर इंडिया चांद पे पहुंच गया तो इंडिया अर्थ पे कैसे है, इंडिया चांद पे कैसे पहुंच सकता है, ये सब झूठ है, इंडिया का झंडा जो है चांद पे पहुंच गया, चांद पे कैसे इंडिया का झंडा पहुंचेगा, जब ये बोलते हैं जी 1,000 किलोमीटर जाके ग्रेविटी है ही नहीं वहाँ पे, तो चांद पे कैसे जाके, अब मेरी बात सुनिए, साइंस सब झूठी है, मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी चांद पूरा है, मान लिया जी आपका चंद्रयान बैठ गया है चांद पे, ठीक है बैठ गया जी, कुछ देर के बाद चांद ऐसे पतला भी हो जाता है, फिर वो कहाँ जाता होगा, आधा चांद, देखो यार पॉइंट मेरा नोट करो ना, चांद ऐसे हो जाता है, ये हमारी नासा वालों से अपील होनी चाहिए, कहाँ पे चक्कर क्या है, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, ये एक साइंस बिल्कुल गलत है, मैं इनको सीधा करना चाहता हूँ, आप खुद बताओ चांद ऐसा भी होता है कभी कभी खाली लाइन होता है, चंद्रयान कहाँ जाता है, ये खाली उधर बेचते हैं इंडोवार, इंडोवार निकोबार में अपना चंद्रयान बिठाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के पानी में तभी उधर जाने देते हैं, किसी लोग जो है बड़े बड़े मंत्री और मिनिस्टर सीएम आंध्र प्रदेश के, उनका इतना दिमाग नहीं है, वो बोल रहे हैं जी हमारे लोग जो है चंद्रयान में यात्रा करने के, उसके साथ कोई गया ही नहीं है। So guys, इससे आप सबको पता चलता है सारे साइंटिस्ट एक साइड और फैजान भाई एक साइड, तो अब इनकी डिबेट कराएंगे आज तक पे, कल तक पे कराएंगे तो इनकी डिबेट कल, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी अपनी राय दे कि ये बात जो है हमने सही बोली है, हमें सच बताओ कि वो चंद्रयान गया किधर है, ये कहीं बैठा देते हैं आगे आप जितने भी है गाइस ये सारे, आप आओ बटोत फैजान भाई के साथ मीटिंग करो, उसके बाद कुछ होगा, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो आए चांद पे, मीटिंग चांद पे पड़ी पहुंचना और हमारे फयाज भाई को चेयरमैन बनाया जाए जल्द से जल्द, ठेके बंद करो नशा मुक्त बात ऐसे नहीं बनेगा, मोदी साहब तो इतनी बात कर लेते हैं, फैजान भाई बोलेंगे आगे, प्रशासन से प्राइम मिनिस्टर से अपील की जाती है अगर आप नशा मुक्त बात बनाना चाहते हैं मोदी साहब ने उसको बंद किया जाए, बस सिगरेट बीड़ी पान पराग खाली पान पराग रखा जाए, जो बिहार के बिहार के लोग आते हैं उनका दिमाग दे जाता है, वरना ये काम कैसे होगा देख सकते हो आप, ये पैसे नहीं दे रही इधर, ये पान सब यहाँ पे बिक रहा है, तो बसंत रथ जी ने उसके लिए आवाज उठाई है, बसंत रथ हमारा सीएम आने वाला जम्मू कश्मीर का, बीजेपी के सीएम बनाओ तो मैं बटोत का काम कराऊंगा, पहले मेरी अपील है जी डीआईजी साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारे फयाज भाई को चेयरमैन अपॉइंट किया जाए, मेरी बात सुनो डीआईजी साहब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, डीआईजी साहब क्या है, डीआईजी साहब को अपॉइंट किया गया है,
समझ रहे हो, दिलबाग सिंह ने, दिलबाग सिंह कर सकते हैं, उनके ऊपर आप रख सकते हो, आप मिनिस्टर के ऊपर रख सकते हो, मिनिस्टर दिलबाग सिंह को हटा सकता है। मेरे साथ महात्मा गांधी को और मुझे दोनों को पीस पसंद था मीट का। तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया था कि हमारा इंडिया को आजाद किया था, लेकिन महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे कोई हो जाए, महात्मा गांधी कोई ऐसे हो जाए ना, हो जाए जी, हो जाए। का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो उन्होंने कर्म किए थे, जो उन्होंने कर्म किए थे बहुत अच्छे किए थे, नंगे क्यों चलते थे वो, नंगे नंगे होके क्यों चलते थे, उनके साथ वालों के पास जब कपड़े होते थे, इंडियन का इंडियन कल्चर था, एक एक हेरिटेज था कि धोती पहनो, उसी हालात में इन्होंने क्या क्या मतलब देश को आजाद किया। जनरेशन है वो थोड़ी इंस्पायर होगी अंग्रेजों से, अंग्रेज फटी हुई पैंटे दे रहे हैं, फटे हुए बूट दे रहे हैं, निकरे दे रहे हैं, इससे पहनो जाता, इससे अच्छा पहनो, वेस्टर्न कल्चर आ गया सारा, सब कुछ हम अंग्रेजों का पहन रहे हैं, बोली भी हम अंग्रेजों की बोल रहे हैं, भाई हम क्यों अंग्रेजी बोले, हम हिंदुस्तानी, हम डोगरी बोलेंगे, अच्छा जी सराजी बोलेंगे, हमारी बोलेंगे, जो जो है वही बोलेंगे, हमें बोल रहे हैं अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी क्यों बोलेंगे, हम कश्मीरी भी बोलेंगे। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आप 30-70 पे क्या बोलना चाहते हो? 30-70 जो है जी, इन्होंने गलत तरीके से तोड़ा गया है, अंडर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तोड़ा जाता तो हम जो है सपोर्ट करते, इन्होंने हमें डका दे फौज जो है ऐसी ऐसी जगह से लाई, हमारे घरों के बाहर खड़ा कर दिया इन्होंने, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसके मैं जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने फौज ला के यहाँ पे डक दिया, हमें कर्फ्यू लगा दिया और 20 दिन का, उसके बाद तोड़ा, ये हो गया गुंडा राज, ये गुंडा करती में तोड़ा गया, क्योंकि इनको पता है जेएंडके के लोग जो है बहुत खतरनाक आदमी हैं, इन्होंने हमें जकड़ के रखा ऐसे, फिर उसके बाद 370 तोड़ा बिना लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो हमारा जुडिशरी है बिल्कुल, उन्होंने भी बिल पास कर दिया, कैसे किया आपने, पहले जेएंडके की जो लेजिस्लेचर थे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जो थे हमारे, तो उनको उनसे पूछ के जो है ये जो लॉ था हमारा उसको तोड़ा जाता है, इनसे पूछ के ये इनकी राय क्या थी, फिर तोड़ा जाता तो मानते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल गलत किया। सबसे बड़ी बात ये है कि फयाज भाई से पूछा तोड़ने से पहले, फयाज भाई आप क्या बोलना चाहोगे इस पे, आपसे पूछा ही नहीं, तभी तो ठेके बने मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ 370 का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, कि हमारे जो जेएंडके के लोग हैं, कश्मीरी लोग इतने तेज हैं, तहसीलदार अभी जो लास्ट अभी जेके उसका केएस का जो रिजल्ट आया 200 समथिंग जो हमारे जेएंडके के जो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन जो हमारे जेएंडके में लोग लगाए जा रहे हैं, गवर्नर भी बिहार का, अच्छा जी डीसी भी बिहार का, उसके बाद जी डीआईजी भी, डीजीपी, सब बाहर के लोग हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अभी यहाँ पे आके जो है हमें दाड़े मार रहे हो, बस यहाँ की जो डिबेट है, चलो तो गाइस जो मैं मेरी प्रशासन से अपील की जाती है, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर के वो हमें दाड़ा मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये हमें दाड़ा मार रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी पंगा होता है तो इसका जिम्मेवार जो है बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने 370 यहाँ पे तोड़ा है, ये बाहर के जो बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, अब रो रहे हैं, और जम्मू वालों का बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, जम्मू वाले उस टाइम कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, अब हम ये नारा लगाते हैं, अब वो बोल रहे हैं यहाँ से यूपी वालों को, यूपी वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, गवर्नर नहीं चलेगा, वो जो तो उनको ठीक हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, ये चोरी करते हैं जम्मू वाले, पहले जब 370 टूटा हमने आवाज उठाई, हमने बोला 370 नहीं टूटना चाहिए, बोलते नहीं जी यहाँ पे मॉल्स बनेंगे, पर हमारे आ गए थे, इन्होंने भी देखो हमें बोला कि व्लॉगिंग नहीं करनी है, भाई हमारा पैशन व्लॉगिंग है, ये हमारा इनसाइड करें, राइट है ये, आउटसाइड करें, फंडामेंटल राइट है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम, हर एक राइट्स हमें मिला गया, तो ये हमारे राइट्स को जो है वायलेट कर रहे थे अभी, तो प्रिंसिपल मैम अगर मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो ये वायलेशन नहीं होनी चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें काम करने दिया जाए, और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि 370 हमें वापस दिया जाए, और जो काम करने वाले आदमी बाहर से आते हैं वो काम करें चुप करके, हमें दाड़ा में नहीं तो पंगा हो जाएगा, इनको हम मारेंगे सब, ठीक है, गाइस हमारा जो कॉलेज है वो खत्म हो गया, अभी हमारे साथ फिजान भाई, ठीक है, अभी जाएंगे हम घर के लिए, घर की तरफ जाएंगे हम, तो अभी पहले जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे बिल्कुल, खुदा के साथ भाई लोग कलाम करेंगे खुदा का नाम लेंगे, आज का दिन जो है कैसा निकला, जवाब भी देना पड़ता है, हर जगह जवाब देना पड़ता है, घर में भी खुदा के बाद भी, आज का दिन आपने कैसे गुजारा है, बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल है जी, अभी जाएंगे, अभी हम ठेके के पास पहुंचेंगे, हम बताएंगे आपको ठेका किधर है, हमारे पटौद का बिल्कुल मार्केट, ये मेन मार्केट है, ऊपर भी है मेन मार्केट, और मेन मार्केट अभी आपको बताते हैं ठेका किस जगह पे है, ठेका किस जगह पे है, आप खुद सोचो, अभी हमें भूख लगी है, हाँ अभी हम उसके पास पहुंचेंगे, हम सोचेंगे चलो यार एक छोटी होती मजा आ जाता तो वही आपको बात करने जाते हैं, ऊपर पहुंच के मिलते हैं आपको चलो बने रहिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आपको थोड़ी देर ऊपर हम वो दिखाएंगे, तो गाइस अभी जो ऑटो के अंदर दिख रहे हैं आपको, हाँ कहाँ है, सो गाइस आशीष कोहली का ऑटो चला रहा है, देख सकते हो आप भाई, देख लो बटोत वाले लोगों ने बिल्कुल ऑटो चला रहे हैं,
बटोत वालों को आप देख सकते हो, बटोत वालों में बड़ा पैसा है जी, बहुत पैसा है जी, ऑटो चलाने आ गया यहाँ पे आशीष कोहली। तो ये किराया लेते हैं 50 रुपए 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का आशीष कोहली जी, आशीष कोहली जी, ठीक है जी। So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं, छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई। आपको बताना चाह रहा था जो ठेका है वो देखिए कहाँ पे है, ये देखिए मेन मार्केट में, देखो एक नंबर फ्रूटी ले रहे हैं, चोला लेके आए हैं, बिल्कुल बताओ बैग लेके आए हैं, बच्चे देखो स्कूल के बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल क्या इंप्रेशन, हम भी स्कूल के बच्चे हैं, तो ये स्कूल के बच्चे जो है अभी देख रहे हैं किसको भेजे हम, कोई देख रहा तो नहीं है, हमें ये तभी खड़े हैं, देखो साइड जो दिख रहे हैं आपको, हाँ जी हाँ जी, तभी खड़े हैं कि अभी हम फ्रूटी कब लें, जब कब ले जाएंगे इनको, ये गैप हो जाएगी, पार्क है हॉस्पिटल के ऊपर, उधर जाके पीते हैं, उधर जाके पीते हैं, वहाँ पे छापा डाला जाए, एसएचओ से भी अपील है हमारी, अपील है हमारी, बिल्कुल जी, रेट का भी हटाया जाए, ठीक है जी, ओके जी, ओके ब्रो, गली कौन सी, आंचल की, आंचल कौन सा, आंचल ये गली तो ये सैलून इधर है सारे, हाँ अभी हम आगे थे कॉलेज से, और अभी जो है हम फैन की हवा ले रहे हैं, ये फैन है और ठंडी ठंडी हवाएं ले रही है, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ, बट तब भी हम थोड़ी बहुत हवाएं लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आपसे करते हैं बात। 6.5 hours later सो गाइस अभी हम कॉलेज से आए थे, तो फिर उसके बाद हम सो गए थे, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं अभी, तो अभी जो अभी हम आए थे छत के ऊपर, थोड़ा छत का नज़ारा लेने के लिए, सनसेट हो रहा है अभी, तो विटामिन डी अच्छे से लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी छत पे चक्कर लगा लेते हैं, तो अभी जो सन है वो सेट हो रहा है प्रॉपरली, जैसे होता है रूटीन वाइज उसकी रूटीन है, तो हमारी रूटीन है व्लॉगिंग की, तो हम कर रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं, तो प्यार अपना दिखाते रहिए व्लॉग्स में, तो अब जाएंगे हम, सोच रहे हैं कि हम जाएंगे मार्केट में, थोड़ा बहुत मार्केट का आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं और का प्लान बनता है, तो बट आप स्टे ट्यून्ड रहना, अब से जो है अब मज़ा आने वाला है आपको, मिलते हैं। तो अभी जो अभी चल पड़े हैं मार्केट की तरफ, मार्केट में अब देखते हैं क्या होता है, जब अभी हम मार्केट में आ गए थे, तो मार्केट अभी ठंडी ही है, ठंडी मार्केट है, देख सकते हो आप, कोई इतना ज़्यादा कामकाज नहीं है लोगों को, सब बैले बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि मार्केट में कामकाज होगा, यहाँ सब बैले बैठे हुए हैं भाई, किसी का इंटरव्यू लेंगे या इंटरव्यू लेने के लायक ही नहीं है कोई, लगा सकते हो आप हिसाब, तो हम भी अभी मार्केट में ही है भाई, ये है बटोत डायरीज़ के ऑनर, ये भी मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जो है वो ठंडी पड़ गई है टोटली, देखते हैं अब आगे ठंडी पड़ी है, इसको गर्म कैसे करना है अब देखते हैं हम आगे। सो गाइज अभी हम आप पता है आपको बाहर खड़े थे, तो मैंने सोचा बिलाल भाई है बरकत वाले हमारी मार्केट में है, ज़रा इनको पूछा जाए क्या हाल है, क्या हाल है बिलाल भाई, बस बढ़िया है जी, और बहुत बढ़िया है आप, ये मुझे तो पता है यूपी से, आपको मैं बता देता हूँ यूपी से है ये, मेरठ शामली से है ये, तो पहले ये बेंगलोर होते थे, फिर उन्होंने यहाँ बटोत में शिफ्ट की दुकान, पहले भी रखी थी इन्होंने, मतलब यूपी में भी इनकी दुकानें हैं, तो यहाँ आए ये स्पेशल, तो कैसा काम काज है, काम अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल जी, और बटोत के लोग कैसे लगे आपको, वो तो मस्त मस्त लोग है ना, कोई ऐसे कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, बहुत अच्छे लोग, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, और वेदर बहुत बहुत जबरदस्त मौसम है, ऐसा मिल सकता है आपको यूपी में, वो कहीं नहीं मिलेगा, यूपी वालों को बोलो आ जाओ बटोत, वो आते नहीं है मगर हम जाते नहीं वो आते नहीं तो हम जाते नहीं, तो ठीक है मैंने सोचा थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए आज आपको जान, मतलब तुम्हारी मार्केट में मैंने सोचा कि इनको कभी व्लॉग में मैंने नहीं लाया, आपको भी पता है, तो मैंने सोचा आज दिखा दी जाए इनकी भी दुकान, रिवील कर दी जाए, थोड़ा दिखाया जाए इनकी दुकान, क्या क्या रखा है आपने, हाँ जी ये रेडीमेड सूट है, ठीक है, बहुत चमक रहे है, क्या मसला है, चमचमकाती। सो गाइज इनके पास हर वैरायटी के सूट्स मिलते हैं, तो ये मतलब कि बाहर से इंपोर्ट होता है इनका सामान वगैरह, तो बाहर से सीधा लाते हैं ये बटोत में जाके बिक्री हो जाती है, मतलब एक दो दिन तीसरे कम से कम हफ्ता एक माल चलता होगा, हफ्ता 10 दिन चलता है ना, तो मैक्सिमम जो ये वैरायटी लाते हैं ना ये समझ लो बाहर की, कहाँ से कहाँ की होती है मैक्सिमम वैरायटी, बॉम्बे की, सूरत की, गुजरात की, दिल्ली की है ना, सूरत, अच्छा अच्छा ठीक, मैक्सिमम कपड़ा वहाँ से ही बनता है ना, भी बनता है ना, गुजरात में ही बनता है, गुजरात में बनता है, ठीक ठीक है जी, तो आपके पास पेंट कोट के कपड़े भी है क्या, हाँ कोट पेंट के कपड़े भी, पर्दे भी है सब, अच्छा पर्दे भी है, रेडीमेड का भी, अच्छा रेडीमेड का सारा, रेडीमेड का भी सामान है, देख सकते हो आप बाहर तक रहा, बरकत हाउस है मेन बाजार बट मार्केट में है, आप आ सकते हो, मिल सकते हो, मेरा नाम लो,
डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी। सो गाइज, बिलाल भाई बोल रहे हैं कि आप जूस मंगाया इन्होंने बाहर से, ठंडा ठंडा जूस बोलते हैं, मैंने भी पीना है, खुद भी पियो। तो यार एक बात है यार, पूरी मार्केट में हम इनके पास जब भी आते ना, ये खातेदारी मतलब कस्टमर की भी खातेदारी अच्छे से करती है, ये क्वालिटी है इनकी यार। अगर कोई कस्टमर कुछ ले भी नहीं ना, बट ये जितना हो सकता ना उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो अब हम तो इन्होंने बनवा के लाया है ये जूस, बनवाया हुआ है ना, बनवा के लाया हुआ है। यहाँ से ऊपर भी दुकान है एक जूस वाली, उधर से बनवा के लाया है। तो गाइज अभी जो है हम इनको अलविदा कहेंगे। ये बोल रहे थे कि मेरा व्लॉग जो होना चाहिए एक सेपरेट से होना चाहिए, उसका प्लान करते हैं हम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो कल या परसों वो व्लॉग मैं डाल दूंगा, तो वो जरूर मैं डालूंगा। इनकी दुकान की मतलब हर एक वैरायटी जो होगी वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसके लिए आप बने रहिए, इंतजार करिए, इनके पास नई वैरायटी आनी है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी जा रहे हैं हम चक्कर लगाने के लिए। ये है इनकी बरकत क्लॉथ हाउस, ठीक है, आ सकते हो आप, खरीदारी कर सकते हो। गाइस अभी देख सकते हो आप, बटोत में लग चुका है जाम, काफी जाम लग गया है, देख सकते हो आप काफी जाम है, नीचे तक जाम था, नीचे तक जाम है अभी। सो गाइस बाजार में आप देख सकते हो काम काज कुछ नहीं है, बट जाम देख लो कितना है, दुनिया जान का जाम है यहाँ, देख सकते हो। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, हमारे साथ है डड्डू उस्ताद, डड्डू उस्ताद है साढ़े नाल। गाइस आप देख सकते हो मक्खियाँ कितनी कितनी बड़ी हो गई है, मक्खियों का सीजन है। डड्डू मक्खियाँ क्यों इतनी बड़ी हो गई हैं, तू इतना सा क्यों रह गया, मक्खियाँ क्यों इतनी बड़ी हो गई, टावर को तो नहीं छू रहा हूँ बट तब भी देख सकते हो आप गाइस, बड़े अफसोस की बात है, डड्डू इतना सा रह गया, चिटकुट सा, लप्पू सा तो डड्डू है, लपुट सा तो डड्डू है, सुन रहे ना, देख लो गाइस, जिंगूर सा डड्डू, देख लो गाइस, मेरे को बोल रहे मैं तेरा रोस्ट करूंगा, कर भाई कर, मजा भी तो तभी आएगा, तभी पता चलेगा फैन फॉलोइंग भाई की, लोग रोस्ट करने लगेंगे जब, करना नहीं, नहीं करना ही करना, अच्छी बात है। क्या बोला था, रोस्ट करके क्या, मुझे रोस्ट करके क्या, इधर देख के आगे क्यों भाग रहे, इधर आना।